नमस्कार दोस्तों, इस वाले वीडियो का टॉपिक है मेगावाट लेवल के सोलर प्रोजेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, मेगावाट लेवल। आज की डेट में किलोवाट से लेकर मेगावाट लेवल तक के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस है, और उसी कड़ी में मेगावाट लेवल के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कुसुम पॉलिसी भी बनाई गई है, जहाँ पे आप अपनी ज़मीन के ऊपर मेगावाट लेवल के प्रोजेक्ट्स खड़े कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट से बनी हुई बिजली को अपने लोकल डिस्कॉम को बेच के अपने लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है और आज की डेट में इसके लिए गाइडलाइंस भी रिलीज हो चुकी हैं। अब ये मेगावाट लेवल प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड मन में कई क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि इसकी कीमत क्या होगी, इसके लिए कितनी ज़मीन लगेगी और ये ज़मीन कैसी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मेगावाट लेवल सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस को आज हमने इस वीडियो में लेने की कोशिश की है, और इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ रहे हैं अरविंद करंदीकर साहब। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अरविंद करंदीकर साहब पिछले 15 से 20 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और उन्होंने कई मेगावाट लेवल प्रोजेक्ट्स में काम भी किया है। काम के साथ साथ उन्होंने कई मेगावाट लेवल प्रोजेक्ट्स को कंसल्टेंसी भी दी है। इनफैक्ट मैंने भी उनके एक प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी या फिर आप भी एक मेगावाट लेवल प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहते हैं और आपके मन में भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस घूम रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके कई डाउट्स को क्लियर कर देगा। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं, तो आप सोलर प्रोडक्ट्स को अपनाने के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पहली बात तो मैं अरविंद सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा टाइम हमारे चैनल के लिए निकाला और हमारे दर्शकों के साथ इस मेगावाट लेवल प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए राजी हुए। अरविंद सर, मैं आपका अपने इस चैनल के ऊपर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ओके, थैंक यू अजीत। पहली चीज तो ये जो पर्टिकुलर चैनल है उसके थ्रू आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे, तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो। बोलिए अजीत, क्या पूछ रहे हैं? सर, पहली बात तो सबसे बड़ा जो सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आता है कि ये मेगावाट लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका आज की डेट में कॉस्टिंग क्या चल रही है? ओके, मेगावाट लेवल का कॉस्टिंग पे 2-3 पैरामीटर्स है जिसके कारण कॉस्टिंग चेंज हो सकती है, लेकिन अगर बहुत ही बजेटरी टाइप ऑफ एस्टिमेट लिया जाए तो 3 से 3.5 करोड़ पर मेगावाट ये अभी कॉस्टिंग चल रही है फॉर इक्विपमेंट, जिसमें लैंड इंक्लूड नहीं की है। और मेन दूसरी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है कॉस्ट में, वो है ये प्लांट से सब स्टेशन तक जो इवैक्यूएशन लाइन लगेगी वो इसमें नहीं लिया है, क्योंकि दैट चेंजेस जो साइट है वहाँ से सब स्टेशन कितना दूर है, कौन से वोल्टेज लेवल पे ले जाना है, ये सब चीज़ों के कारण वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जो प्लांट बिठाना है वो 3 से 3.5 करोड़ पर मेगावाट ये अभी प्राइस चलेगा। तो अगर हम बात कर लें सर, ये अगर हम मोनोक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी की बात करें या मल्टी क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी की करें, तो ऑल टुगेदर ये ऑलमोस्ट सेम इतने में ही बैठ जाता है? ये इतने में ही बैठ जाएगा। और आजकल अगर आप देखोगे मार्केट में तो पॉली क्रिस्टलाइन का इस्तेमाल करना तो बहुत कम होता जा रहा है, मोनो में भी मोनो पर्क करके जो मॉड्यूल्स आ रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा मेगावाट लेवल प्रोजेक्ट्स पे इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो मैं प्राइस बोल रहा हूँ वो उसी टेक्नोलॉजी के लिए है। एक और चीज़ इसमें मैंने एज्यूम की है, वो है कि जो माउंटिंग स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर रहेगा। अगर हम ये ट्रैकिंग पे जाते हैं सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग पे, तो फिर इसमें ज़रूर कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो कितनी बढ़ेगी, वो कौन सा टाइप का ट्रैकिंग है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन फिक्स स्ट्रक्चर उसके लिए विद मोनो पर्क मॉड्यूल जो अभी बहुत कॉमन है, ये 3 से 3.5 करोड़ हम पकड़ सकते हैं। ओके सर, ये एक आज की डेट में ये भी बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो PERC पर्क मॉड्यूल्स जो बात करते हैं, इसमें मार्केट में ये बोला जाता है कि भाई इसका जो एफिशिएंसी है या इसका जो जनरेशन है एज कम्पेयर टू नॉर्मल मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा है। इज इट ट्रू? मतलब कि कई लोग बोलते हैं कि भाई अगर नॉर्मल 20 पे चल रहा है तो ये 25 या 23 पे चल रहा होता है। नहीं, मॉड्यूल का एफिशिएंसी अभी तक इतना ज़्यादा नहीं है। मॉड्यूल का एफिशिएंसी रेगुलर मोनो के हिसाब से करीबन 2 से 3% से हायर हो सकता है। मेन एडवांटेज क्या है इसमें, तो सिंगल मॉड्यूल वेटेज अगर हम देखें तो जब हम पॉली और मोनो स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे तो मैक्सिमम वी आर गेटिंग वाज 330, 335, 350 वाट पीक, लेकिन मोनो पर्क के कारण अभी एक ही मॉड्यूल में करीबन 400 वाट पीक तक मॉड्यूल अवेलेबल है। तो उसके कारण क्या होता है कि इन द गिवन एरिया यू कैन एकोमोडेट मोर पावर,
और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कम होने के कारण उस पे केबलिंग्स, माउंटिंग स्ट्रक्चर, ये सभी पे भी सेविंग हो जाता है, इसलिए मोनोपर्क अभी इस्तेमाल में ज़्यादा आ रहे हैं। मोनो मतलब कि मोटा मोटी अगर ठीक से समझा जाए तो आपका जो एरिया है 1 मीटर बाय 2 मीटर में, जहाँ पहले 360 या 330 वॉट पीक के मॉड्यूल्स आते थे, वहाँ पे अब ये 400 वॉट पीक के मॉड्यूल्स सेल्स बैठ रहे हैं, तो इसका जो आउटपुट है 400 वॉट पीक का है। करेक्ट और करेक्ट ये जो और सर ये जो बोला जाता है कि भाई पीछे से रिफ्लेक्शन होगा तो पीछे से भी जनरेशन होता है, क्या ये भी इस पॉइंट को भी ज़रा क्लियर कर देंगे सर? नहीं, वो और एक दूसरा टाइप है, उसको बोलते हैं बायफेशियल। बायफेशियल मॉड्यूल अगर इस्तेमाल करते हैं हम, तो उसमें फिर ऐसा है कि पीछे से जो रिफ्लेक्ट होगा लाइट, वो भी वेस्ट ना करके उससे भी जनरेशन हो सकता है। लेकिन बाईफेशियल जो है वो मेनली ऐसे सरफेस के लिए इस्तेमाल में आता है जहाँ पे रिफ्लेक्टिव सरफेस हो पीछे। लेकिन हम जब ग्राउंड माउंट की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड माउंट में बाईफेशियल का इस्तेमाल अभी तक इतना ट्राई भी नहीं किया है, इतना प्रॉफिटेबल भी नहीं दिखा है। इसलिए जी मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो मेनली मोनोपर्क ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ना कि बाईफेशियल। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई ये जो मेगावाट लेवल है, इसके लिए अप्रोक्सीमेटली ये जो 3 3.5 करोड़ की आप बात कर रहे हो, इसके लिए एक लैंड की कितनी ज़रूरत होती है, और वो ज़मीन देखने में मतलब कि ज़मीन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सेलेक्ट करते वक्त? लैंड रिक्वायरमेंट भी अभी 4 या 5 साल पहले से कम होती जा रही है पर मेगावाट। तो अभी के जो फिगर्स है, ऑफ कोर्स लैंड किस टाइप की है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, लेकिन 3.5 से 4 एकड़ 1 मेगावाट के लिए इतनी ज़मीन अभी काफ़ी है। पहले जो 5 एकर्स पर मेगावाट पकड़ते थे, वो अभी कम होके 3.5 से 4 एकड़ तक 1 मेगावाट के लिए सफिशेंट हो जाती है। ऑफ कोर्स इस पे थोड़े पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे कि वो जो लैंड है वो पूरी इस्तेमाल करने जैसी है, कि बीच में कुछ समझो वाटर रिजर्वायर है, कुछ हिलॉक है, इसलिए वो इस्तेमाल में नहीं आ सकती, तो डेफिनेटली टोटल एरिया रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। दूसरा, कितना अंड्यूलेटिंग है उसके कारण भी थोड़ी सी एरिया यहाँ वहाँ हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखी जाए थंब रूल जैसे, तो 3.5 से 4 एकड़ पर मेगावाट अभी सफिशेंट हो जाती है। दूसरी चीज़ लैंड सिलेक्शन समय जो देखनी है वो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि वहाँ से जो पावर जनरेट हो रहा है या प्लांट से, वो कहाँ तक लेके जानी है हमें फॉर इंटरकनेक्शन या फॉर फीडिंग इंटर द ग्रिड। यानी सबस्टेशन जो है जहाँ पे उसका कनेक्शन होगा ग्रिड से, वो अगर 2.5 से 3 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो छोटे प्लांट के लिए वो इकोनॉमिकली वायबल शायद नहीं होगा। यानी 1 मेगावाट 2 मेगावाट 5 मेगावाट का प्लांट है, तो आइडियल ऐसा है कि 2.5 से 3 किलोमीटर के अंदर ही सबस्टेशन हो। तो लैंड सिलेक्शन करते समय ये भी एक पैरामीटर बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। सर, अपार्ट फ्रॉम ये जो इवैक्यूएशन कॉस्ट या इवैक्यूएशन या ट्रांसमिशन लाइन की जो आप बात कर रहे हैं, ये क्लियरेंस भी कहीं कहीं से लेना पड़ता होगा, जैसे कि फॉरेस्ट वाला, या फिर अगर कहीं एक आधा प्रोजेक्ट में हमने सुना है कि भाई अगर आपका जब ड्रिलिंग करते हो तो अगर पानी लग जाता है देन यू हैव टू लीव दैट लैंड। ये जो लाइन लेके जानी है सबस्टेशन तक प्लांट से, उसमें बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। जैसे इसको बोलते हैं राइट ऑफ वे, ROW। तो ये जो ROW है ट्रांसमिशन लाइन का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें जो इश्यूज आ सकते हैं, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड बीच में आती है, तो आई वुड से फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स इट्स अ स्ट्रिक्टली नो नो। यानी आप छोटे प्लांट के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना वगैरह वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, इसलिए वहाँ पे ना जाना अच्छा है, लैंड कोई अलग से सिलेक्ट कर लो। अगर बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स है, 50 मेगावाट 100 मेगावाट, तो उसके लिए शायद ये थोड़ा इजियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ है प्राइवेट लैंड्स भी होती है बीच में, तो जो प्राइवेट लैंड जिनकी है वो भी आपको या तो अलाउ करेंगे, कुछ चार्जेस लगाएंगे, या तो अलाउ ना करेंगे, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, बीच में अगर कुछ रेलवे ट्रैक है, कुछ रोड है जिसको आपको क्रॉस करके जाना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। इसलिए
लैंड सिलेक्ट या फाइनलाइज करने से पहले ये जो राइट ऑफ वे है लैंड से सबस्टेशन तक, ये भी एक पहले इम्पोर्टेंट है कि आप ज़रूर जान लें कि बीच में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं और वेदर दोज इश्यूज कैन बी ओवरकम। अच्छा सर, अब एक बड़ा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया था कि ऑन एन एवरेज 1 मेगावाट को सिस्टम लगाने के लिए कितना टाइम लग जाता है अंदाजन? एक्चुअली ऑन फील्ड काम अगर देखा जाए ना तो 1 मेगावाट इवन 5 मेगावाट काम इतना अभी छोटा लग रहा है लोगों को, EPC कंपनीज को, कि मैक्सिमम 2 महीने के अंदर ऑन फील्ड काम तो खत्म हो सकता है। टाइम किसको लगता है? एक तो इक्विपमेंट के लीड टाइम जो है उसके लिए, दूसरी चीज़ जो मैंने बताया कि वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन डालने के लिए और उसके लिए परमिशंस लेने के लिए, इवन प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल क्लोजर करना है जो बिफोर स्टार्टिंग वर्क ऑन फील्ड वो करना पड़ता है, ये सब चीज़ों को ज़्यादा टाइम लगेगा। एक्चुअल फील्ड पे काम मैक्सिमम 2 महीने में ख़त्म हो सकता है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि भाई ये वाले सिस्टम्स लगाने के लिए अगर कोई इंडिविजुअल या कोई भी जाता है तो उसको कुछ लोन फैसिलिटी या फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है? फाइनेंस की फैसिलिटी तो अवेलेबल है लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल स्कीम नहीं है। यानी आपको जैसे कोई भी बिजनेस के लिए लोन के लिए बैंक की तरफ जाना पड़ता है, वैसे ही आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के DPR बना के आपको बैंक की तरफ जाना पड़ेगा। और बैंक ना तो सिर्फ प्रोजेक्ट वायबिलिटी और इकोनॉमिक्स देखेगी लेकिन जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है यानी जो प्रमोटर है उसके भी तो पूरे अभी का क्या बिजनेस है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे है वो भी देखेगी। और जो लोन अवेलेबल होगा वो रेगुलर बिजनेस लोन जैसे अवेलेबल होता है वैसे ही होगा। इसके लिए कुछ कंसेशनल या ऐसा मेगावाट लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए अभी कुछ स्कीम अवेलेबल नहीं है। मतलब कि मोटा मोटी ये समझा जाए कि देर इज़ नो स्पेशल प्रोविजन फॉर सोलर के लिए ऐसा, और बैंक बेसिकली वो उनका बिजनेस है, वो अपने टर्म्स कंडीशन और सिक्योरिटी और सेफ्टी देख के ही अपना लोन्स देंगी। यस, यानी बैंक ये सब चीज़ें देखेगी जो हमने अभी तक बात की है, और एक मेजर चीज़ वो देखेगी कि रेवेन्यू कहाँ से मिलने वाला है ये प्रोजेक्ट को, यानी ये जो एनर्जी जनरेट होगी वो कौन खरीदने वाला है और उसके भी फाइनेंशियल्स क्या है, उसके भी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और वो जो रेवेन्यू मिलेगा उसके कारण ये प्रोजेक्ट वायबल हो रहे हैं, ये भी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बैंक ज़रूर देखेगी। और ऐसे अगर PPAs पावर परचेज एग्रीमेंट्स रेडी है और जिसके साथ में ये PPA है उसका भी स्टैंडिंग अच्छा है तो फिर लोन मिलने में आसानी रहेगी। ओके, अच्छा सर, अभी ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट निकला कि भाई एक्चुअल में ये सामान, ये जो हम सामान की बात करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ये जो प्रोडक्ट है ये कितने रुपए में बिकेगा और कौन खरीदेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये प्रोजेक्ट लगाया जाए कि ना लगाया जाए। Am I right, sir? Exactly, yes. तो सर ये चीज़ को ध्यान में रख के कि भाई ये सब है तो किसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर सोचना चाहिए या कौन इस प्रोजेक्ट्स को लगा सकता है, क्योंकि आज की डेट में सब कुसुम स्कीम्स की भी, अगर आपने सुना होगा तो कुसुम स्कीम की भी बात हो रही है जहाँ पे एक फीड इन टैरिफ भी डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं 3.14 पैसा पर किलोवाट। यस, इसके लिए आपको 2-3 पैरामीटर्स ध्यान में लेने पड़ेंगे कि ये जो टैरिफ है वो टैरिफ किस कैपेसिटी प्रोजेक्ट के लिए वायबल लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 रुपये की बात करें तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि ये जो छोटे पावर प्लांट लगाने के बात हो रही है 1 मेगावाट 2 मेगावाट, तो ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है उसके लिए शायद 3 रुपया जो टैरिफ है वो इतना वायबल नहीं रहेगा। वही अगर बड़े प्रोजेक्ट्स आप लगाते हैं तो उसके लिए 3 रुपया वायबल रहेगा। ये एक चीज़ हो गई, यानी जो टैरिफ है वो साइज ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिपेंडेंट रहेगा कितनी वायबिलिटी है उस। दूसरी चीज़, ये टैरिफ कहाँ से मिलने वाला है आपको? ये टैरिफ गवर्नमेंट से मिलने वाला है तो हमें मालूम है कि गवर्नमेंट से पेमेंट जो है वो तो सिक्योर होते हैं, लेकिन अगर डीले हो गए पेमेंट, अगर 2 महीना 3 महीना 4 महीना डीले हो जाता है तो भी वो जो प्रमोटर है वो सर्वाइव कर सकते हैं क्या, ये भी देखना पड़ेगा टैरिफ के साथ में। तीसरी चीज़, अगर प्राइवेट कंपनी के साथ में हम ये PPA कर रहे हैं तो टैरिफ ज़्यादा हो
यानी 3 रुपए से बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑन पेपर वो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर 1 या 1.5 साल में अगर या तो बीच में ही पीपीए के बीच में वो कंपनी को ही कुछ प्रॉब्लम आ गया, या तो उसने पीपीए में ये टैरिफ देना बंद कर दिया, तो ये प्रोजेक्ट का क्या होगा? ये जो रिस्क है वो भी आपको ध्यान में लेनी पड़ेगी। इसलिए सिर्फ टैरिफ रेट इतना ही पकड़ के एक प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं ऐसा नहीं देख सकते, उसके लिए ये सब पैरामीटर्स हमें देखने पड़ेंगे। तो सर अभी ये जितना भी आपने पॉइंट्स बताया, राइट फ्रॉम लैंड एक्विजिशन, लैंड डेवलपमेंट, इन्वर्टर सेलेक्शन या सिस्टम सेलेक्शन से लेकर इवैक्यूएशन कॉस्ट, इवैक्यूएशन टाइप है, और आखिर में ये जो टैरिफ का ये पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन, तो ये सब एक्चुअली कौन बताएगा, कौन सिखाएगा और कौन ये इसमें गाइड करेगा? सबसे ज़्यादा लोग तो इसमें परेशान इसी में हो जाएंगे। बराबर, लेकिन ऐसा है कि कोई भी बिजनेस प्लान करते समय जो उसका एक फाइनेंशियल तैयार करना पड़ता है, तो फॉर्चुनेटली सोलर प्लांट का फाइनेंशियल करना वैसे आसान है, क्योंकि इसमें सेलिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग, ये सब चीज़ें नहीं आती, और जो एनर्जी जनरेट होगी वो अगर पीपीए के अंडर आपका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो सेल करना भी एक स्टैंडर्ड और कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है, रेवेन्यू स्ट्रीम भी बहुत कंटिन्यूस रह सकती है। तो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है जिसके लिए फाइनेंशियल्स भी है और बाकी प्रमोटर्स और लैंड इक्विपमेंट इसकी भी डिटेल्स वो रिपोर्ट में आ सकती है, तो ये रिपोर्ट बनाना है, ये पहली बेसिक चीज़ है या बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट प्लान करने से पहले, एज वेल एज किसी फाइनेंसर की फाइनेंसर से अगर आप मदद चाहते हैं तो वहाँ पे सबमिट करने के लिए। तो इसके लिए कंसल्टेंट्स भी अवेलेबल है, आप अगर ईपीसी कंपनी की तरफ जाते हैं तो ईपीसी कंपनीज भी कुछ आपको ये रिपोर्ट बना के दे सकती है, लेकिन सिर्फ प्रमोटर जो ये प्लान बिठाना चाहता है उसके अकेले का ये काम नहीं रहेगा, उसके लिए उसको अलग अलग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी हो और टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हो। टेक्निकल एक्सपर्ट्स उनको इनपुट देंगे कि इक्विपमेंट कॉस्ट, एनर्जी जनरेशन एस्टिमेट, लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट, उसके लिए क्या क्या लगेगा, परमिट्स अप्रूवल्स कौन सी लगेगी, ये सब टेक्निकल कंसल्टेंट बताएगा। फाइनेंशियल कंसल्टेंट उसको ये बताएगा कि इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, टेन्योर क्या रहेगा, कौन से टैरिफ के ऊपर ये आपको इकोनॉमिकल वायबिलिटी आ सकती है, रिस्क क्या रहेगी। तो इसके लिए ये थोड़ा एक टीम एफर्ट रहेगा जिसके लिए जो भी ये प्लान बिठाना चाहता है उसको ऐसे लोग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उसके ऊपर कुछ काम पहले प्रिलिमिनरी करना पड़ेगा, तो ही वो डिसाइड कर पाएगा कि ये प्रोजेक्ट हम करना चाहिए, ये फिजिबल है, वायबल है कि नहीं है। जी सर, तो मोटा मोटी इस चीज़ को प्रमोट करने या इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए मार्केट में एक्सपर्ट्स भी अवेलेबल हैं। हाँ, आजकल जितने अभी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं सोलर के, अभी सोलर प्लांट्स शुरू होके भी भारत में बहुत साल हो गए, तो उसके कारण बहुत सारे कंसल्टेंट्स, कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मैंने बताया इवन ईपीसी कंपनीज आर रेडी टू गिव, तो ऐसे एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, तो आपको आपके हिसाब से जो प्रॉपर सूटेबल एक्सपर्ट्स लगे उनकी तरफ जाके आपको ये फाइनल करना पड़ेगा कि इन लोगों के साथ काम करके मैं ये तय करूंगा कि प्रोजेक्ट करना है कि नहीं। उतना ही नहीं, एक बार अगर प्रोजेक्ट करना तय हो गया तो यही एक्सपर्ट्स आपको आगे भी एडवाइस कर सकते हैं कि कैसे करने चाहिए, टाइमलाइन क्या है, बजट क्या है, ये सब चीज़ें ये एक्सपर्ट एडवाइजर्स या कंसल्टेंट्स आपको मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना वीडियो देखने के बाद कम से कम आपको इतना तो पता चल गया होगा कि भाई एक मेगावाट लेवल के प्रोजेक्ट्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। इनफैक्ट ये मेगावाट लेवल का टॉपिक मेगावाट लेवल की तरह ही बड़ा है, इसमें भी कई एस्पेक्ट्स हैं जो आपको देखने होते हैं और देखने चाहिए। फिलहाल वो सारे के सारे पॉइंट्स एक ही वीडियो में लाना बहुत ही मुश्किल है, पर दोस्तों अगर आपकी डिमांड रही इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जानकारी लाने के लिए तो डेफिनेटली हम वो लाएंगे। क्या है कि आपको ये मालूम है कि इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ आपके डिमांड पे ही वीडियोस लाते हैं। इनफैक्ट आपने भी देखा होगा कि इस चैनल के ऊपर हम बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेंड सेटर्स लोगों को भी लाते हैं जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और उन एक्सपीरियंस का हम सबको फ़ायदा मिलता है। आशा करता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा,
क्या है कि आपका इतना सहयोग हमें सोलर एनर्जी को प्रमोट करने में बहुत कारगर रहेगा। और हाँ, अगर आपके मन में अपने स्टेट में चलने वाले पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के बारे में और भी जानकारी लेने की इच्छा है, तो आप हमारी वेबसाइट सोलर इज आवर पैशन के ऊपर भी जाके देख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैप दे रखा है। आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं, आप बस उस स्टेट को क्लिक कीजिए। उस स्टेट की पॉलिसी, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस जो हमारे पास उपलब्ध है, हमने वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन उस पर शेयर कर रखी है। और इसी वेबसाइट पे आपको कुछ वीडियोस भी देखने के मिलेंगे साथ में अगर आप सोलर से रिलेटेड कुछ बुक्स खरीदना चाहते हैं या गुडीज़ खरीदना चाहते हैं हमारी चैनल की तरफ से, तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर आप हमें हमारी लाइव क्वेश्चन आंसर सीरीज, जो कि हम हर थर्सडे को शाम को 6 बजे इसी चैनल के पर लेते हैं, उसमें जुड़ के अपने क्वेश्चंस का समाधान या आंसर निकाल सकते हैं। वहाँ पे हम आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस या फिर जो आप लाइव क्वेश्चन करते हैं उनका ही आंसर देते हैं। मैं अजीत बहादुर आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इन्जॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।